हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एचटेट संबंधित एक जबरदस्त नोटिस आया है और महत्वपूर्ण नोटिस है, क्योंकि इस नोटिस का इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। तो किस प्रकार का नोटिस आया है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस के लिए बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। ये एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड बुक तैयार की गई है, जिसमें सभी सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है, दो सोल्ड पेपर भी दिए गए हैं और 2000 से ज्यादा प्रश्न इसमें अपडेटेड मेटेरियल आधारित ऐड किए गए हैं। आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, चेकआउट कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस का वीडियो कोर्स, लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस का टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हरियाणा पुलिस का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपने ऐप पर, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम नोटिस के बारे में कि एचटेट संबंधित क्या नया नोटिस आप सभी के लिए आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो क्या कुछ बोला गया है देखिएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से नोटिस आया है। ठीक है, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 के बारे में, आज जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 2 तारीख को और 3 तारीख को, उससे संबंधित ये नोटिस है। और सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 से संबंधित जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई थी 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में सभी जिलों में हुई थी, और ये एक अवसर दिया गया था जिन परीक्षार्थियों द्वारा इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाई गई, उन परीक्षार्थियों को अध्यापक भवन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूर्ण करवाने का एक और अवसर, क्या है, एक और अवसर दिया जा रहा है। कब का दिया जा रहा है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। 9 तारीख से लेकर, 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक, 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एचटेट का एग्जाम दिया था और फिर एचबीएससी ने जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए 18 से 21 जनवरी तक मौका दिया था, बहुत सारे बच्चे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ या उनके रिजल्ट में RLE लिखा आया जिन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि क्या दोबारा मौका मिलेगा, तो दोबारा से मौका दे दिया है। 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में आप भिवानी में, हाँ जी, भिवानी में अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों, जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट सही समय पर पाने के लिए आप नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपका भाई बंधु कोई भी आपके परिवार में हरियाणा पुलिस की कोचिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन अपने ऐप पर, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर वो पढ़ाया जाएगा जो कोचिंग सेंटर में 12,000 रुपये में पढ़ा जाता है। हम आपको मात्र 999 रुपये में वो कोर्स दे रहे हैं, वो कंटेंट, वो मटेरियल दे रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने ऐप पर, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।